वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। कहता है पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 8 ओम रेजिस्टेंस। 8 ओम कहां है भाई? ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। तो 8 ओम रेजिस्टेंस में इसमें जो पावर है वो 2 वाट दिया हुआ है, दैट इज पावर पी, दैट इज 2 वाट। द पावर डिसिपेटेड इन वाट्स अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर, दिस इज द 3 ओम रेजिस्टर, और हाउ मच पावर इज कंज्यूम इन दिस रेजिस्टेंस, ये कितना पावर ले रहा है, पावर कंज्यूम हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो तो अगर मैं इस सर्किट में अगर देखूं तो पावर अगर कंज्यूम इसके लिए फॉर 8 ओम के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो पावर इज इक्वल टू होता है आई वी, या पावर इज इक्वल टू होता है आई वी दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ से पावर दिया है 2 वाट और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका रेजिस्टेंस, इस 8 वाले का रेजिस्टेंस 8 है, दैट इज वी की वैल्यू आ जाएगी 16 अंडर रूट, दैट इज वोल्टेज इज इक्वल टू 4 वाट। तो 4 वोल्ट का इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये जो लोअर वाला पार्ट है, दिस 8 ओम ये वाला पार्ट है, इसके क्रॉस 4 वोल्ट आ गया। तो ये दोनों पैरेलल में है, अपर और पार्ट पैरेलल में है, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 आ जाएगा। 1 और 3 इन कनेक्टेड इन सीरीज, सो 4 आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम, और ये नीचे रेजिस्टेंस आ जाएगा अपना 8 ओम, और यहाँ से मेन करेंट सपोज आई आ गई और इधर चली जाएगी I, तो यहाँ से I1 इधर चली गई और इधर आ गई I2, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट A है पॉइंट B है तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 मल्टीप्लाइड बाई I1 मस्ट बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई I2। ये इक्वेशन होल्ड होगा क्योंकि अगर मुझे इसमें पावर निकालना है तो अगर मैं पावर तभी निकाल पाऊंगा, इस वाले में अगर पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर ओवर आर। जब तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा तब तक इसके अक्रॉस में पावर कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। रेजिस्टेंस दिया हुआ 3, तो यहाँ से I2 क्या है, ये इसमें कितना करेंट फ्लो हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसका हमें डेटा यहाँ से दिया हुआ है। तो यहाँ से जो डेटा दिया हुआ है 8 ओम के लिए, 8 ओम में बड़े आराम से हम भी इक्वल टू आई आर लगा दें 8 ओम वाले के लिए, तो इसके क्रॉस वोल्टेज 4 है और करंट इसमें मान लिया हूँ मैं I2 और इसका रेजिस्टेंस 8 है, तो I2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/2 एम्पियर, हाफ एम्पियर, इसमें जो करंट है वो हाफ एम्पियर हो गया, एंड दिस इज हाफ एम्पियर, I2 इज इक्वल टू हाफ एम्पियर। तो यहाँ से मुझे इस वाले में करंट I1 पता चल जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई I1 दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाई I2 हाफ एम्पियर दैट इज 4, दैट इज I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से मुझे 1 एम्पियर करंट आ गया, तो 1 एम्पियर यहाँ से 1 एम्पियर इसमें करंट आ गया। तो इस वाले ब्रांच में यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो पावर इन 3 ओम रेजिस्टेंस, तो जो 3 ओम का है उसमें कितना पावर आ जाएगा, पावर इन 3 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस एंड इट इज कंज्यूमिंग 1 एम्पियर करंट, इट्स वैल्यू इज 3 ओम। नाउ इट्स पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर इट्स रेजिस्टेंस, वोल्टेज इसका वोल्टेज होगा आई वी का स्क्वायर बी इज इक्वल टू आई आर, या नहीं तो डायरेक्ट आप अप्लाई ऐसे कर दो ना, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू आई वी, इसमें करंट 1 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है पावर इज इक्वल टू आई वी, या नहीं तो इसके अक्रॉस मैं वोल्टेज ये निकाल लेता हूँ भी, तो भी की वैल्यू आई आर के इक्वल आ जाएगी, 1 एम्पियर रेजिस्टेंस 3 दैट इज 3 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट आ जाएगा तो यहाँ से पावर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अपना मैं पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है, यहाँ पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर,
ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इसका रेजिस्टेंस 3 है, तो 3 ने 3 को खत्म कर दिया, दैट इज 3 वाट फाइनली पावर कंज्यूम हुआ होगा इस सर्किट में, दैट इज ए ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया।